अच्छा किया तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही। बैठो। भाई तुम्हारी अम्मी की तो वो हालत है नहीं कि किचन में काम कर सके, तुम्हें करना होगा। जी बढ़िया, मैं खाना बना लूंगी। देखो एनी, तुम अपने घर की बड़ी हो, तुम्हें अपनी फैमिली को इन मुश्किलात से निकालना होगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम हिम्मत से काम, सब्र करना होगा, तुम्हें अपनी माँ को हौसला देना होगा। इस सब तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत जरूरत है, समझ रही हो ना? पता है हालात कभी एक से नहीं रहते, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। लेकिन बड़ी अम्मी, फिर पाने अम्मा को सच में नहीं होगा ऐसे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मुझ पर भरोसा है। यही कहा है मैं तुम्हारी माँ को। नहीं नहीं समझ रही, बहुत डरी हूँ मैं, तो मैं उसको समझाना होगा। है? तुम्हारे रिजल्ट आना था ना, तुम्हारा क्या हुआ? बहुत अच्छा रिजल्ट आया मेरा, स्ट्रेट ए स्टार्स आए हैं। देखिए नहीं, ये खुशखबरी को किसी के साथ शेयर करूं, मतलब कोई ऐसा है नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम पास हो गई हो इतने अच्छे नंबरों के साथ, शुक्र है तुम्हारी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई। नहीं नहीं बड़ी अम्मी, अभी मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई है, बल्कि अभी तो मेरी असल पढ़ाई रहती है। एनी, घर के हालात तुम्हारे सामने है ना, देख रही हो ना, कम लड़ाइयाँ हैं। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी पढ़ाई की वजह से एक और जंग छिड़ जाए, ये चाहती हो तुम? लेकिन बड़े अम्मी, आपके सामने ही तो बड़े अबू ने कहा था कि इसकी पढ़ाई मुकम्मल करवाएंगे, तो उस वक्त हालात कुछ और थे, और सच बताऊं तो तुम्हारे बड़े अबू ने भी यहीं तक पढ़ाई का सोचा होगा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे तुम तो खुश नसीब हो, हम में से कोई तो इतना भी नहीं पढ़ सका, किसी ने पढ़ने ही नहीं दिया। चलो शाबाश, हाथ धो लो, पेड़े बन गए, सबसे पहले ये रोटियां डालो। शाबाश जी बड़ी अम्मी।